इंग्लिश का आंसर की लेके आ चुका हूँ। जितने भी छात्र यहाँ पे एग्जाम देके आ चुके हैं यानी आईएससी का और आईकॉम का, तो मैं आंसर की लेके आया हूँ। तो आप लोग को यहाँ पे देख लेना है कि आपने एग्जाम में कितने क्वेश्चन आंसर करेक्ट किए हैं और कितने आपने रॉन्ग किया। जी हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे 1 से लेकर 100 क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और आप लोग साथ साथ में बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कौन सा आंसर यानी एग्जाम में लिखा है। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे है, तो आप लोग बताइए आपने कौन सा आंसर करेक्ट किया है। यहाँ पे क्या बोला गया था आपको, वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन। जी हाँ, यहाँ पे जो आपको चूज करने थे वो करेक्ट ऑप्शन चूज करने, तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया, तो यहाँ पे आपको बताने हैं कौन सा आपने लिखा है। जी हाँ, यहाँ पे 1 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे जो आपको कवर कराऊँ, यहाँ पे सेट ई कवर कराऊँ, जो कि सारे सेट में तो क्वेश्चन एक ही रहता है लेकिन अल्टरनेट रहता है, इधर से उधर रहता है। तो आपको क्या लेना, बाद में मिला लेना है कि आपका यानी कौन सा सेट है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या है 2 में, फिर आप लोग देखिए कि क्या है 2 का आंसर। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो आपको चूज करना है। यहाँ पे आपने कौन सा आंसर करेक्ट किया था, जी हाँ, तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही अपोजिट अस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है 3 में, आपने क्या आंसर लिखा है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको जो करेक्ट फ्रेज है वो चूज करने हैं, यानी कौन सा फ्रेज यहाँ पे आएगा। चलिए बताइए आपने कौन सा आंसर दिया है। जी हाँ, तो यहाँ पे 3 का ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट हो जाने, क्या हो जाएगा, आई वेंट आउट टू सी ऑफ माई फ्रेंड हो जाएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 को, जी हाँ, क्या है 4 में, और आप लोग बताइए आपने क्या आंसर लिखा है एग्जाम में। I was kind dash you to help me, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फटाफट बताइए आप लोग, और जिनके पास यानी जो लिंक है तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया, तभी तो वो भी क्लास में जुड़ेंगे और वो भी देखेंगे। जी हाँ, यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आई वाज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 5 को देख लीजिए क्या है 5 में, और फिर आप लोग साथ साथ में मिलाते चलिए कौन से यहाँ पे आपने लिखा है। आई विश ही डैश गेट वेल सून, जी हाँ, यहाँ पे जो करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब है आपको बताने कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। जी हाँ, यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, आई विश यानी ही वुड गेट वेल सून हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, और साथ साथ में आप लोग मिलाते चलिए कौन सा आपने एग्जाम में आंसर लिखा है। आई हैव टू टीच इंग्लिश, जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट पैसिव वॉइस है बताने हैं कि कौन सा यहाँ पे पैसिव वॉइस करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो फटाफट देखिए और बताइए कि आपने क्या एग्जाम में आंसर लिखा है। वेरी गुड, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाई मी हो जाएगा। चलिए अभी हमें क्वेश्चन नंबर 6 को मिलाइए क्या है 7 में, और क्या आपने आंसर लिखा है। शिमला इज मच डैश देन छत्तीसगढ़, जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है बताइए आप लोग, कौन सा आंसर यहाँ पे आपने एग्जाम में लिखा है। तो 7 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शिमला इज मच फार्दर देन चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या है 8 में, फिर आप लोग मिलाइए कि आपने क्या आंसर लिखा है। चूज द ऑड वन आउट, जी हाँ, यहाँ पे आपको जो ऑड वन है आपको चूज करने कौन सा होगा। तो यहाँ पे 8 में जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मस्टर्ड बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ, क्या है 9 में, शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आर्टिकल वो बताने हैं कि कौन सा आर्टिकल करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो फटाफट आप लोग बताइए कि आपने क्या एग्जाम में आंसर लिखा है, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से यानी जो आंसर किए 1 से लेकर 100 क्वेश्चन का देख सकते हैं। तो मैं आपको यानी बताऊंगा, अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया गया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना, और मैं अभी यहाँ पे क्लास में भी लाइव में भी बताऊंगा कि आपने कौन सा आंसर करेक्ट किया और यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है। चलिए आप क्वेश्चन 10 को देख लीजिए क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा पे, यानी कंट्री राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 11 को देख लीजिए क्या है 11 में, और आपने क्या आंसर लिखा है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा होगा। आई डैश टेकन माई कैमरा, जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 11 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, आई हैव टेकन माई कैमरा हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 12 को क्या है 12 में, और आप लोग साथ साथ में आंसर मिलाइए कौन सा होगा। ही इज वेंट डैश रीनिंग हिमसेल्फ, जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करने, कौन सा प्रीपोजिशन यानी आएगा। तो आपने क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में बताइए, बिल्कुल ऑप्शन में डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, ही इज वेंट ऑन रीनिंग हिमसेल्फ हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 13 देख लीजिए क्या है 13 में, फिर आप लोग साथ साथ में मिलाइए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, कौन से यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट है वो आपको चूज करने हैं। जी हाँ, तो 13 में ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ही इज टॉल He is as tall as I, राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। चलिए आप लोग साथ साथ बताइएगा कि आपने कौन सा आंसर लिखा है। जी हाँ, आपको बताना है और आप लोग मिलाते चलना है कि आपने कितना आंसर सही किया है। माई फिंगर्स वर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट, जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बताने हैं जो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा पे, नहीं 4 हो जाएगा, नहीं राइट द नोट फॉर हिम यानी फॉर मी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है 15 में, जी हाँ देखिए क्या है 15 में।
फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। जी हाँ, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है, यानी कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 15 का देखिए और फटाफट बताने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे हो जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग मिलाते चलेगा और आप लोग बताते चलेगा कि आपने एग्जाम में कौन सा लिखा है। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे सेट ई कवर करा रहा हूँ, तो आप लोग बाद में मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा सेट है। जी हाँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही है आपके। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे वर्ड है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, यानी कौन से ऑप्शन में, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिखने जो चॉकलेट है ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आप क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पे 17 क्या है 17 में, और साथ साथ में मिलाइए कि 17 में कौन सा राइट आंसर होगा। ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट मी। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट पैसिव वॉइस है वो बताना है कि कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट होगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ही वॉज लव्ड बाई ऑल हिज फ्रेंड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अपने डी पे किक यानी टिक लगाइएगा। चलिए आप यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 क्या है। 18 में देखिए, ए डे ऑफ रेस्ट इज। जी हाँ, ए डे ऑफ रेस्ट इज यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो क्या आपने लिखा है बताइए फटाफट। तो 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। जी, ए डे ऑफ रेस्ट इज हॉलीडे हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 19 देख लीजिए क्या है। 19 में, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हु whose wife is dead। जी हाँ, ए मैन whose wife is dead। जी हाँ, जिसकी यानी क्या है, वाइफ क्या है, मर चुकी है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विधवा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आपने हिंदी में पढ़ा था विधुर जिसको बोलते हैं। चलिए आप क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या है। 20 में फिर राइट आंसर होती है ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉर बी टन। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो 20 का आप लोग बताइए कौन सा होगा। वेरी गुड, तो 20 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा, नहीं वर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 21 को मिलाइए क्या है 21 में, और फिर देखिए कि क्या आपने एग्जाम में लिखा है। द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेज। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो एंटोनी बताना है अंडरलाइन वर्ड का। जी हाँ, यानी जो अभी गिल्टी जो अंडरलाइन किया हुआ उसका यानी अपोजिट वर्ड, तो अभी गिल्टी का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन में बी हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा, ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी क्या है 22 में देखिए, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट नरेशन बताना है, कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन करेक्ट होगा। तो 22 का क्या आंसर दिया आपने, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नहीं He prayed that God might bless him हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 23। जी हाँ, क्या है 23 में देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे ऑप्शन में स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है वो आपको चूज करने हैं। तो 23 में जो ऑप्शन नंबर सी है, नहीं जो अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 23 हो चुका है, आप 24 को देख लीजिए क्या है 24 में, और आप लोग साथ साथ मिलाइए। वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करना है, कौन सा यानी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वी लाइक द म्यूजिक वेरी मच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 25 क्या है 25 में, द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस। जी हाँ, तो मेलोडियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी आपका जो सेम वर्ड है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी म्यूजिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या है 26 में, लेट दिस बी डन बाई मी। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट एक्टिव वॉइस है वो बताना है, कौन सा एक्टिव वॉइस होगा। तो 26 में ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लेट मी डू दिस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग साथ साथ में मिलाते चलेगा और आप लोग कमेंट यानी कॉपी में लिखते चलेगा, जी हाँ, यानी कौन सा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न का। जी हाँ, तो मॉडर्न का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, तो मॉडर्न का ऑप्शन यानी एंशियंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या है 28 में, और मिलाइए कि क्या कौन सा राइट आंसर होगा। द टीचर गेट सम होमवर्क डैश द इन ऑफ द क्लास। जी हाँ, तो यहाँ पे बताने आपको यानी कौन से यहाँ पे राइट आंसर होगा 28 का। जी हाँ, तो 28 में ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या जगह पे एट हो जाएगा, एट द एंड ऑफ द लेसन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, क्या है 29 में, मिलाइए आप लोग, वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द डैश। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है चूज करना है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो आप लोग बताइएगा कि आपने कौन सा आंसर लिख दिया है 29 में। तो 29 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए, क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, SOUL हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या 30 में, और आप लोग मिलाइए, हाउ डैश डू यू वांट। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो बताइए आपने कौन सा आंसर लिखा है। वेरी गुड, यहाँ पे जो हो जाएगा 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, हाउ मच डू यू वांट हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन 31 क्या है 31 में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट सेंटेंस है वो चूज करने, यानी कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। वेरी गुड, तो आपने क्या आंसर दिया कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 32 को देख लीजिए क्या 32 में, और साथ साथ मिलाइए कि कौन सा ऑप्शन यानी आपने एग्जाम में लिखा है। ही हर्ड ए नॉइज ही गॉट अप। जी हाँ, यहाँ पे जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है सेंटेंस का वो बताने की कौन सा ऑप्शन में कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा यहाँ पे,
यानी एज ही हर्ड ए नॉइज ही गॉट अप राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए, क्या 33 में डैश बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो 33 का आपने क्या आंसर दिया फटाफट बताइए। जी हाँ, तो यहाँ पे 33 का आइडेंस कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, अबव ऑल हो जाएगी, अबव ऑल बीवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 33 हो चुका है, 34 को देख लीजिए क्या है, पब्लिक ओपिनियन वॉज डैश द बिल। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज करने है, कौन सा होगा। जी हाँ, बताइए फटाफट कौन सा आपने एग्जाम में लिखा है। तो मैं 34 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अगेंस्ट द बिल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 35 देख लीजिए क्या है, 35 में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बताने कौन सा वर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे कौन से ऑप्शन में करेक्ट है। तो 35 में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ वुलन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36, जी हाँ क्या 36 में और आपने क्या लिखा है वो भी बताइएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम। जी हाँ, तो परफ्यूम का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पे परफ्यूम का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 36 हो चुका है, 37 को देख लीजिए क्या है, द बुक विल बी बाउट बाई सीता। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस बताने हैं, यानी कौन सा एक्टिव वॉइस कौन से ऑप्शन में करेक्ट है। तो 37 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ सीता विल बाई द बुक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या है, आई डेज स्विम वेन आई वॉज यंग। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। जी हाँ, चलिए 38 में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं आई कुड स्विम वेन आई वॉज यंग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 को मिलाइए क्या है, 39 में अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस फॉर्म बताने कौन सा करेक्ट टेंस फॉर्म होगा। तो वेरी गुड, तो 39 का आइडेंस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ अमर सेज दैट ही टेक्स इंग्लिश लेसन्स एवरी डे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या है, 40 में वेरी गुड आई से दैट आई राइट ए लेटर। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो डायरेक्ट नरेशन बताने कौन सा डायरेक्ट, तो 40 में ऑप्शन नंबर बी यानी क्या हो जाएगा, आई से आई राइट ए लेटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 41 को देख लीजिए और मिलाइए कि क्या है आंसर इसका, वुड यू माइंड डैश द डोर। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट टेंस फॉर्म है वो बताना है कौन सा होगा। वेरी गुड, तो ये 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं वुड यू माइंड शटिंग द डोर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 42 को देख लीजिए क्या है, 42 में द बस केम टू एंड एब्रप्ट हॉल्ट। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो मीनिंग बताने किसका अंडरलाइन वर्ड, यानी यहाँ पे जो एब्रप्ट जो अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या हो बताने है मीनिंग। जी हाँ, एब्रप्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी सडन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 43 को देख लीजिए क्या है, 43 में द पुलिसमैन रैन डैश द थीफ। जी हाँ, तो यहाँ पे बताने आपको कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। जी हाँ, कौन सा प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखानी यानी क्या हो जाएगा, द पुलिसमैन रैन आफ्टर द थीफ हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 44। जी हाँ, क्या 44 में साथ साथ में आप लोग मिलाइए कौन सा होगा, रेखा हैज हर्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा बताइए यहाँ पे, तो 44 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए हो जाएगा, रेखा हैज हर्ट हर सेल्फ हो जाएगा। जी हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे जो सीट सेट ई कवर करा रहा हूँ और आप लोग मिला लीजिएगा कि आपका कौन सा सेट है और कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन। जी हाँ, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ही वेंट ऑन। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने है, कौन सा ऑप्शन यानी करेक्ट होगा, तो यहाँ पे 45 ऑप्शन में बी हो जाएगा, जी हाँ ही वेंट ऑन टू टॉक, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 46 को देख लीजिए क्या, 46 में फिर मिलाइए कि कौन सा यानी करेक्ट आंसर होगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट डैश। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा, वेरी गुड, तो 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डजंट ही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 47 को मिलाइए कि कौन सा होगा यहाँ पे 47 में, वेरी गुड, ही डैश टू हेल्प मी। जी हाँ, तो यहाँ पे बताने कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, और आप लोग ये भी बताइए लास्ट में कि आपने कितने यानी करेक्ट आंसर किए हैं एग्जाम में। जी हाँ, तो 47 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ही रिफ्यूज टू हेल्प मी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 48 को मिलाइए कि क्या है, 48 में द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग डैश टू हाई। जी हाँ, तो यहाँ पे बताने हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, वेरी गुड, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, नहीं द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग आर टू हाई हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी क्वेश्चन 49। जी हाँ, क्या 49 में ही इज नॉट डैश होम। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने ही इज नॉट एट होम राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 50 को देख लीजिए क्या है 50 में, और आप लोग मिलाइए ही इज लेजी ही विल फेल। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बताने हैं सेंटेंस का कौन सा हमें कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट होगा। जी हाँ, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 51। जी हाँ, क्या 51 में
ही सेड इट मे रेन टुमारो। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताने, जी हाँ कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट होगा, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए अभी क्वेश्चन 52 को, जी हाँ, और मिलाइए कि 52 में कौन सा आंसर आपने एग्जाम में लिखा है। डस यू लेंड मी योर बुक, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सॉरी ए नहीं होगा, 52 का क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं विल यू लेंड मी योर बुक, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 52 का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 क्या है, 53 में देखिए और मिलाने की कोशिश कीजिए आप लोग। आई बैंक्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, जी हाँ यहाँ पे आपको 53 में राइट आंसर बताने कौन सा होगा, वेरी गुड, तो 53 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ए हो जाएगा, आई बैंक्ड माई टो ऑन द फ्लोर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जी हाँ क्या 54 में, और मिलाइए कि आपने कौन सा आंसर लिखा है यहाँ पे। डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल वैन यू टू द जिम, जी हाँ यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं क्या होता है यहाँ पे वैन यू गो टू द जिम, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 55 को देख लीजिए क्या 55 में, और साथ साथ में मिलाइए आप लोग। इट्स चाइल्ड डैश एंड आइसक्रीम, जी हाँ यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बताने 55 में, जी हाँ तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। जी इट चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम हो जाएगा, नहीं ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन और 61, जी हाँ क्योंकि यहाँ पे 56 क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, लेकिन आ जाएगा तो मैं यहाँ पे कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन 61 को देखेंगे क्या 61 में। समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ, जी हाँ यहाँ पे आपको बताने हैं, अब हम लोग बुक पर्सन की आ चुके हैं, आपको बताने ये जो लाइन है यानी ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताने हैं। जी हाँ तो यहाँ पे 61 का एड्रेस कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, नहीं जो इससे हमारा क्या है लेसन है उसी से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन 62 को मिलाइए क्या 62 में, फिर बताइए। हु रोड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, जी हाँ ये भी किसने लिखा है, यानी द ओल्ड हाउस यानी द ओल्ड प्ले हाउस और जो अदर पोएम है वो किसने लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी यानी जो कमला दास है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग डी मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 63 को देख लीजिएगा क्या है 63 में, और साथ में मिलाइए क्या होगा। हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाई क्रीमेटिंग, जी हाँ यहाँ पे कौन हो जाएगा, जी हाँ आपने पढ़ा था यानी जो फायर हाइम था हमारे चैप्टर उसमें जो केके एंड दारू वाला था उसी ने किया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हमें क्वेश्चन 64 क्या है 64 में। द पोएट इज डैश द स्नेक, जी हाँ यहाँ पे बताने क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन में ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी इन ऑफ द स्नेक हो जाएगा, जी यानी कैसा वो डर में था भय में था, ऑप्शन में ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, जी हाँ क्या 65 में, जी हाँ मिलाते चलिए आप लोग। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, जी हाँ प्लेजर्स, जी हाँ यह बताने नहीं कि कहाँ से लिया गया, एक लाइन कहाँ से लिया गया, तो आप सबको बताइए जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर है उसी से लिया गया है ये लाइन को, तो ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 66 को देख लीजिए क्या 66 में, और आप लोग मिलाइए कौन सा होगा। द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट ए रेदर कॉन्वेनियंटली फास्ट, जी हाँ इस फॉर्म यहाँ कहाँ से लिया गया वो आपको बताने, जी हाँ तो मैं 66 में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए, दिखा नहीं जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है भारत इज माई होम वो यहाँ से नहीं सेंटेंस को लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 67 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए एंड डैश ऑन प्रोबेशन, जी हाँ तो क्या हो जाएगा प्रोबेशन में, तो यानी अंडर सेक्रेटरी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी क्वेश्चन 68 क्या 68 में, जी हाँ तो आप लोग मिलाइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे, तो रिसीव द यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी रिसीव द नोबल प्राइज, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 69 को देख लीजिए क्या 69 में, और साथ साथ में मिलाते चलिए आप लोग। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे केम टू बी नोन एज यानी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ तो आप लोग मिला लीजिए यहाँ पे। आप क्वेश्चन 70 को देख लीजिए क्या 70 में। वॉल्ट विटमैन वाज ए एंड, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, नहीं वाज एन अमेरिकन पोएट हो जाएगा, कौन वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन 71 को देख लीजिए क्या है। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी यानी क्या हो जाएगा, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद यानी विलियम वर्ड्सवर्थ, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 72 को देख लीजिए क्या 72 में, और साथ साथ मिलाइए। बंकिम चंद्र चटर्जी रोट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश, जी हाँ तो कब लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1864 एंड 1864 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 73, जी हाँ 73 में क्या है, तो आप लोग साथ साथ में मिलाइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा।
इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ, जी हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 74 को देख लीजिए क्या है। 74 में फैंसी ए लेड स्पेंडिंग His time playing around like that which gods, जी हाँ यहाँ पता नहीं जो सेंटेंस है ये कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जी हाँ द आर्टिस्ट यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 75 को देख लीजिए क्या 75 में, और मिलाइए कि कौन से यहाँ पे होगा। डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, जी हाँ यहाँ पे बताने 75 में कौन सा यानी राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन में भी इंडियन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 76 को मिला लीजिए क्या 76 में, एडवर्टीजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज पेपर, जी हाँ तो क्या हो जाएगा पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो 76 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ क्या हो जाएगा रेवेन्यू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 77 को देख लीजिए क्या 77 में, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डैश अल्फाबेट, जी हाँ तो कौन सा अल्फाबेट हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा यूनिक अल्फाबेट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 78 को मिला लीजिए क्या 78 में, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंजेस इन द, जी हाँ तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे चेंजेस इन द क्या हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन, क्या हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन द इंग्लिश ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आप क्वेश्चन 79 को देख लीजिए क्या 79 में, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड इन द ईयर, जी हाँ तो कौन सा ईयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1476 यानी 1476 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को मिला लीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 80 में, वेरी गुड इंग्लिश इज ए, दिखा तो इंग्लिश इज ए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ इंग्लिश इज ए विंडो विंडो टू द वर्ल्ड राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 81 को देख लीजिए क्या 81 में, और यहाँ पे मिला लीजिए कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा, द पोएट वॉज डैश ड्रेस्ड वैन ही सॉ द स्नेक, जी हाँ यहाँ बताने कौन सा राइट आंसर होगा, वेरी गुड 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा इन पायजामाज हो जाएगा, ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ। तो मैंने आपको यहाँ पे 81 क्वेश्चन तक करा दिया, इससे आगे मेरे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो नहीं आया, मैं आएगा तो मैं आपको कमेंट में यानी पिन कर दूंगा यानी आंसर्स को, और मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से लिंक को क्लिक करके आप वो सारे का आंसर की प्राप्त कर सकते हैं, जी हाँ आप लोगों को वहाँ पे चले जाना है यानी डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक कर लेना, आपको सारा वहाँ पे मिल जाएगा।